अगर सिंपल शब्दों में समझना हो तबला या म्यूजिक को, तो इसमें इसकी लैंग्वेज है, जैसे हमारे अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी, ता तिन तुन घे, तो ये ऐसे हमने अल्फाबेट सीख लिया। अब इनको जोड़ के कुछ हमें फ्रेजेस बजाने हैं, जैसे धा धा तिट टिट धा तिट धा तिट धा धा तिटकिट धा धा तुन्ना तिटकिट धा तिटकिट धा तिटकिट। मोर देन 25 ईयर्स से मैं तबला बजा रहा हूँ, बट स्टिल आई कीप फाइंडिंग न्यू बीट्स। तबले में मुझे नया नया कुछ ना कुछ सुनने को, नया नया सीखने को मिलता रहता, तो इट्स लाइक अ सी। आप इसमें जितना हम डीप जाते जा रहे हैं, उतना ही इसको हम गहरा पाते जा रहे हैं। तो अपने फादर के साथ बजाते हुए मुझे सबसे पहले तो मैं बोलूँगा एक मोमेंट होती है जॉय, प्राउड और बहुत डिवोशनल भी मैं फील करता हूँ उस टाइम। हमारा एक बॉन्डिंग है जो कि शायद मेरे पैदा होने से, उससे पहले से उनके साथ बना हुआ, एक कनेक्शन हम लोग फील करते हैं। तो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है वो समझो कि दैट टेक्स बर्थ ऑन द स्टेज। सालों एक राग को प्रैक्टिस करना पड़ता है, सालों तक, तो उसमें हमें नए नए रास्ते मिलते रहते हैं। तो उस समय वो कौन सी चीज़ किस टाइम अनुकूल होनी है, वो तुरंत हमारा दिमाग हमें वहाँ सहायता करता है उस काम में। और म्यूजिक में ट्रेडिशन क्या है कि कुछ भी हमारा म्यूजिक लिखना नहीं है, टीचर हमें सिखाते हैं ये बीट चल रही है 5 6 7 8 धा तिट धा तिट धा धा तिट धागे तिन्ना किन्ना ता तिट ता तिट ता तिट धागे धिन्ना घिना, वो उसमें वर्बली हमें याद करके बीट्स में फिट करना है और फिर उसको सीखना है। हालांकि परफॉर्मेंस और टीचिंग में थोड़ा सा वो है, क्लैश है आपस में। अच्छा परफॉर्मर जो है वो टीच करने से कतराता है। मैं टीचिंग को बहुत बेहतर समझता हूँ और मुझे खुशी है कि इन लोगों ने भी उस चीज़ को अपनाया, ट्रांसफ़र करना दूसरी जनरेशन को अपना ज्ञान देना। जी तो बहुत खुशी होती है जी, बहुत खुशी इसलिए भी होती है कि ये आगे ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं अपने आर्ट को। अगर सिर्फ परफॉर्मर ही होते तो शायद मुझे इतनी खुशी ना होती। कि मैंने कभी सोच के नहीं किया, ना ही कभी मैंने प्लान किया कि ऐसा करूँगा, मैं सीखूँगा और फिर मैं आगे सिखाऊँगा या यहाँ पे क्लासेस, जो जैसे होता गया मैं उसको वैसे ऐसे लेता गया। तो ये मुझे एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है ये ऊपर वाले ने ही दी है। सो अगर उसने मुझे कोई काम दिया है करने के लिए, तो मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ करना चाहिए। इतना इजी सब्जेक्ट भी नहीं है ये, आ जाए तो भगवान की मर्जी हो तो यूं आ जाए, नहीं आना हो तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है इसमें। कल बहुत साधन है संगीत को सीखने के, पर अब उतना टाइम नहीं है। पुराने टाइम में साधन नहीं होते थे पर हमारे पास टाइम बहुत होता था। यहाँ पर लोगों को बहुत शौक है संगीत सीखने का, बड़ा अच्छा है, पेरेंट्स बहुत इनिशिएटिव लेते हैं कि उनके बच्चे आगे आएँ और कुछ ना कुछ म्यूज़िक सीखें, तो हमें भी उसको सिखा के बहुत अच्छा लगता है। यू टू ऑलवेज थिंक दैट वी आर स्टूडेंट, चाहे आप जितने साल से भी बजा रहे हैं और इसका कोई पार नहीं पा पाएगा ये, इसीलिए हम लोग इसको इवन भगवान की तरह मानते हैं, इसको इट्स इनफाइनाइट।